मनेनगढ़ विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के तहत रोजगार सत्याग्रह का शंखनाद किया गया। इस कड़ी में चिरबिरी अंतर्गत बंद हो चुकी खदानें एक बार पुनः संचालन की ओर है, जिसमें कई नामचीन कंपनियों को टेंडर के माध्यम से कोयले का उत्पादन किया जाना है। इसी क्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल चिरबिरी क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके इसको लेकर एक रैली का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवा वर्ग इस रैली में शामिल हुए। साथ ही क्षेत्रीय विधायक के सानिध्य में बेरोजगारों ने अपनी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अपना बायोडाटा बना एसएससीएल चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक के समक्ष जमा किया। रोजगार शंखनाद के तहत विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने आला अधिकारियों के समक्ष क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि अगर यहाँ के बेरोजगार युवाओं को मिनी रत्न कंपनी द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो जो भी खदानें संचालित हैं और साथ ही संचालित होने वाली हैं उन्हें खुलने नहीं दिया जाएगा, उन्हें बंद करा दिया जाएगा। ज्ञापन जो है वो स्थानीय लोगों को रोजगार के बारे में बताया जा रहा है, इसका उल्लेखन किया जा रहा है। इसमें जो भी हम लोग जो है हमारे साथ तो सर, इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो पूरी खदानें बंद कर दी जाएंगी। तो ये इस विषय पर अभी मैं कोई आज जिंदगी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से बहुत सारे वर्षों पूर्व हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो नेता थे, उन लोगों ने एक संघर्ष करके, एक आंदोलन करके चिरमिरी के लोगों को एसएससीएल में नौकरी दिलवाने का काम किया। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज स्थितियां बदल गई हैं। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्होंने पूरा देश बेचने का जो फैसला लिया है, ऑल इंडिया को भी बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा केवल आज इस रैली का उद्देश्य केवल ये है कि जो भी बाहर की कंपनियां अभी आने वाले समय में अंजन हिल माइंस खुलने वाला है, बर्तुंगा हिल और नंबर 3 की जो माइंस खुलने वाली है और जितने भी परीक्षण अभी कोयले के हुए हैं, जितने भी नई खदानों की संभावना है और जो एमओडी के मोड पे ये प्राइवेट कंपनी को यहाँ उत्खनन का कार्य देंगे, तो जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी वो प्यून से लेके मैनेजर तक का जो नौकरी है, अगर हमारे चिरमिरी के युवा बेरोजगार उसके लिए योग्य हैं तो केवल उन्हीं को डिप्लॉय करेंगे। और अगर उनको डिप्लॉय नहीं करते हैं तो हम आने वाले समय में एक भी खदान को चलने नहीं देंगे।